हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज। ज्योमेट्री के सेशन में जो 15 क्वेश्चन हम कर लिए थे, उस 15 क्वेश्चंस के आगे के जो 15 क्वेश्चन बच गए थे उन्हें हम पूरा कर लेते हैं। आई होप कि वो सेशन में जो क्वेश्चंस थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। दी गई आकृति में एक्स और वाई के मान क्रमशः हैं, मतलब एक आकृति आपको दी गई है, शायद ये आकृति आपको शायद हल्की दिख रही हो, तो इसे मैं अपने से बना के दिखा देता हूँ आपको। यह आकृति कुछ इस तरह से है, आप शायद इस बात को देख रहे होंगे कि मैं ब्लैक ही इंक सेलेक्ट किया हूं, लेकिन यहां पर रेड आ जा रहा है। तो लास्ट क्लास में जो इंक की प्रॉब्लम हुई थी और आवाज़ ना आना, आवाज़ और इंक अपने आप में बिल्कुल सही था, लेकिन जब वो वीडियो शूट हो गई थी तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया वो थोड़ा सा ख़राब था। तो मैं उन एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ जो वीडियो देख रहे थे और उनका ये मानना था कि वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं, सभी लोग मिलकर अनलाइक करिए। देखिए, तो ये तो कुछ कहने की बात नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप बेहद बेफिक्र होकर ना देखिए, है ना। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक मत कीजिए, वो अपनी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप कंटेंट को कवर तो कीजिए। क्या पता कि नहीं दिख रहा है और नहीं आवाज़ आ रही, लेकिन आपको थोड़ा भी समझ में आया और एक क्वेश्चन जिस दिन आपके एग्जाम में आ गया तो एक नंबर शायद 89 से आपको 91 पे ले जाए, है ना, और 90 आपका कट ऑफ पार हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब है कि कंटेंट पे आप फोकस कीजिए, कंटेंट आपको मिल पा रहे हैं कि नहीं। और जो 144 पे देखते हैं उसमें कहूँगा कि अगर 144 पे नहीं दिख रहा है तो 240 पे देखें, 240 पे नहीं दिख रहा है तो 360 पे देखें, है ना। वो दिन गया जब 300 रुपये में एक महीने में 1 GB यूज़ करते थे, आज 1 GB पर डे यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों पर नहीं, क्योंकि इन सब बातों पर जो कॉन्फिडेंस है टीचर का वो अगले वीडियो को बनाने में थोड़ा कम हो जाता है और वो फिर उतने अच्छे से बना नहीं पाता है, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं, तो ये आकृति यहाँ पर दी गई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो महसूस कीजिएगा। देखिए, कहीं पर भी मैंने आपको बताया है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर बने शीर्षाभिमुख कोण, ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि सम्मुख बने हुए हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये बराबर होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये एक्स है, और ये शीर्षाभिमुख कोण अगर ये वाई है तो ये वाई है। अगर आपको ये बात पता है तो ये सवाल आपके लिए बड़ा आसान है। अगर ये 80 है तो y का मान भी कितना होगा, 80, और y का मान 80 है तो x का कितना हो जाएगा। अब आप जानते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो अगर ये 80 है, ये 50, तो 130 तो हो गए, तो बचा हुआ x कितना होगा, 50, तभी 180 होगा। तो x और y का याद रखिएगा, क्रमशः शब्द इस्तेमाल किया गया है, x का मान 50 और y का मान 80, क्योंकि आप भावुक हो जाते हैं कभी कभी, 80-50 यहाँ पर भी है, 80-50 यहाँ पर भी है, लेकिन x पहले आया है तो x का मान कितना, 50, और y का मान कितना, 80। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए यहां पर BAC, फिर लगता है मुझे आकृति बनानी होगी, चलिए मैं इतना कर देता हूं। आप देख रहे हैं ब्लैक ही मैंने सेलेक्ट किया था, रेड चल रहा है। तो कभी कभी सेटिंग में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं जिन्हें हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं।
30 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो मैं इस बात की गारंटी खुद देता हूँ कि आप जब भी एग्जाम में एक सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। हो सकता है सवाल फिर से रिपीट हो जाए और ना भी रिपीट होते हैं तो आपको इससे इतनी हेल्प मिलेगी शायद आने वाला सवाल आप कर लें, है ना? ये कहने की बात है, लेकिन जैसे ही 22 दिसंबर के बाद आपकी और हमारी मुलाकात होगी तो आप इस बात को समझ पाएंगे। तो बेहतर है मैं आपको पहले ही विश्वास दिला दूँ, है ना, ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें। देखिए, BAC 30 डिग्री, BAC 30 अंश है और एंगल ABC 50 है तथा CDE 25 है। मतलब जो डायग्राम में बना है वही आपको ऊपर दिया। आपको कह रहा है एंगल AED बताओ। AED मतलब ये वाला आपको बताना है, यहां पर ये वाला, ये वाला, ठीक है? तो अगर आपको इतनी सी बात पता है कि एक सीधी रेखा में बने सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये सवाल आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ये ए बी और सी है तो एक त्रिभुज, तो त्रिभुज कैसा भी हो, जैसे ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये 50, ये 30, 80, तो ये कितना बच रहा है? आप कहेंगे 100, तो ये हो जाएगा 100। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों, सॉरी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है और एक सीधी रेखा में बने सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब ये 180 होगा, ये 100 है, तो ये कितना? 80, ठीक है? तो अब अगर आपको ये पता है कि त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंदर दो विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, जैसे कि अगर कोई त्रिभुज है ये और इस त्रिभुज का ये हो गया बाएं कोण, तो बाएं कोण जो यहां का होगा ये, वो इसके विपरीत दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। जैसे ये 30 है और ये 50 है, तो 50 और 30 80। ये एक अपने आप में प्रॉपर्टी, अगर इसको आप नहीं समझ पाते हैं तो आप इस बात से समझेंगे, फिर आपको दो प्रॉपर्टी याद करनी होगी कि ये 50, ये 30, 80, तो ये कितना होगा? 100। अगर ये 100 हो गया तो सीधी रेखा है, ये 100, तो ये कितना? 80। तो अगर आपको ये बात पता है कि AED का मान पूछ रहा है और AED इस त्रिभुज EC और D का बाह्य कोण है, तो ये बाह्य कोण त्रिभुज के विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, मतलब 80 और 25 105, तो इसका मान कितना होगा? 105। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो 80, 25, 105, तो बच कितना रहा है? 75, ये होगा। फिर आप कहेंगे सर ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में जो कोण बनता है वो 180 अंश बनता है, उस 180 में 75 तो ये खुद है, तो बचा कितना? 105, तो ये कितना होगा? 105 अंश का। तो यहां पर 105 हमारा सही उत्तर है, ठीक है? एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और जो लोग ये कहते हैं कि वापस रिपीट कर दीजिए, आप इस बात को, जो ऑनलाइन क्लास है, जो मैं कह रहा हूँ वही वापस रिपीट करूंगा, तो आप वीडियो पूरी होने के बाद डाउनलोड करके इसे बार बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स है ना, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है? वीडियो अगर तेज लग रही है तो ऑप्शन होता है इसको स्लो करने का, है ना? स्लो लग रहा है तो तेज का भी ऑप्शन होता है, सारे ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? इन सब की बजाय आप लिखने पे विश्वास रखते हैं कि सब, चलिए कोई बात नहीं, आइए। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज यहां पर दिया गया है जिसकी तीन भुजाएं ए बी और सी है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्या a प्लस बी बराबर होगा c की? क्या a माइनस बी ग्रेटर देन c, a प्लस बी लेस देन c और a प्लस बी ग्रेटर देन c? आपने अगर ये पढ़ा है कि एक त्रिभुज तभी संभव है जब उस त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योगफल अन्य तीसरी भुजा से अधिक हो, इसका मतलब a प्लस बी किसी भी दो भुजाओं का योग अन्य तीसरी भुजा से अधिक ही होगा, चाहे वो a प्लस बी हो। अगर मैं a प्लस बी को जोड़ूंगा तो बची क्या? c, c से ये योगफल ज्यादा आएगा। अगर मैं b और c को जोड़ूं तो ये योगफल ज्यादा आएगा किससे? जो बच गई है a से। अगर मैं c और a को जोड़ूं तो ये योगफल ज्यादा आएगा जो भुजा बच गई है b से। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में a प्लस बी ग्रेटर देन c है, मतलब ये वाला उत्तर आपका एकदम सही होगा, ठीक है? ऐसा क्यों होता है आप वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई है 5, 3 और 7,
सात नहीं, इसको आप ले लीजिए नौ, ठीक है नौ। और आपको मैं कह दूं त्रिभुज बना दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि पांच और तीन को यदि मैं जोड़ूंगा तो आठ आएगा, और ये योगफल अन्य तीसरी भुजा से कम है, तो यहाँ त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अगर आप घर में इसको प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो 9 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ पर गोला प्रकार से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाइएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ से आप रख के 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये दोनों ही चाप एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे, तो इन दोनों का कटान बिंदु नहीं मिल पाएगा, और यहाँ से कभी भी त्रिभुज की रचना नहीं हो पाएगी, है ना। जैसे यहाँ 9 की जगह अगर मैं 8 कर दूँ, 8, तो फिर क्या होगा, आप 8 का ऐसे खींचोगे एक सीधी रेखा, इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचोगे ऐसे जाएगा, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर करोगे तो छूते हुए निकल जाएगा, छूते हुए काट नहीं पाएगा, तब भी कटान बिंदु नहीं मिलेगा और कभी भी एक त्रिभुज की रचना नहीं हो पाएगा, दोनों ही रेखाएं ऊपर निकल जाएंगी ऐसे, तो इन दोनों से नहीं। जैसे ही मैं यहां 7 रख दूंगा, 7, तो 7 रखने पे 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे आप, 5 सेंटीमीटर आप इधर लगाओगे, 3 का आप लगाओगे इधर, तो 3 से ऐसे करके काट देगा, तो दोनों के जो कटान बिंदु आ जाएंगे उसको आप मिला दोगे, त्रिभुज की रचना हो जाएगी। और जैसे ही त्रिभुज की रचना होगी तो आप देखेंगे 5 और 3 को जोड़ा आपने, 8 आया, 8 तीसरी भुजा से ज्यादा है, 3 और 7 का योगफल 10, 10 तीसरी भुजा से ज्यादा है, और 7 5 12 तीसरी भुजा 3 से ज्यादा है, तो प्रॉपर्टी सर्व समीकाएं पूरी अपनी को फुलफिल कर ली। तो इसका मतलब है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में किसी भी दो भुजाओं को अगर जोड़ा जाए तो तीसरी भुजा से अधिक ही होगा वो योगफल। इसी तरह किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, अगर मैं अंतर निकालता तो अन्य तीसरी भुजा जो बचे उससे कम आना चाहिए, ठीक है। जैसे a माइनस बी अगर करूंगा तो ये लेस देन आएगा c से, b और c का अंतर निकालूंगा तो ये कम होना चाहिए अन्य तीसरी भुजा a से, और c और a का अंतर आएगा तो तीसरी भुजा b से कम होगा, ठीक है। यहां पर किताबों में मॉड लगा रहता है, और मॉड ना लगा के मैं अंतर कह रहा हूँ, क्योंकि मॉड हमेशा ही धनात्मक आएगा, छोटी से बड़ी को घटाइए, बड़ी से छोटी भुजा को घटाइए, माइनस में आएगा तो आएगा, तो यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब होता है धनात्मक, ठीक है। आइए अगला सवाल, सुपर टेट में इस बार अंतः केंद्र के बारे में सवाल आ गया था, तो मैं मान के चलता हूँ कि यूपी टेट में शायद दिखाई दे दे। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह क्या है, तो याद रखिएगा त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वो क्या होता है, केंद्रक, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है वो है अंतः केंद्र, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर, उसी इन सेंटर को अंतः केंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज की तीनों तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं, यह है लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स, है ना। त्रिभुज के तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है, और यह है आपका परिकेंद्र, परिवृत्त का केंद्र। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ये क्या है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, लंब केंद्र जहां तीनों लंब मिलते हैं, और ये है अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, और केंद्रक क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक। इतनी सी बात आपको जाननी है, तो एक छोटे सवाल से आपने 4 नए कॉन्सेप्ट समझ लिए। आइए, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं वह है, बताओ भैया। किसी भी चतुर्भुज में अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा किसी भी चतुर्भुज में अगर विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित करना है, विकर्ण अपने आप को इस बिंदु से दो बराबर भागों में बांट लेते हैं, तो ये या तो होगा वर्ग या तो समचतुर्भुज, ठीक है। वर्ग और समचतुर्भुज ही ऐसे दो चतुर्भुज हैं
जिनके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, तीन ऑप्शन, तीनों में ऐसे कोई भी चतुर्भुज नहीं है जो एक दूसरे को, जिनके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटे हैं। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, वर्ग और सम चतुर्भुज। ठीक है, आइए आइए, किसी त्रिभुज एबीसी में ओ अंतः केंद्र है। याद रखिएगा यहां पर ओ अंतः केंद्र है। आपको त्रिभुज के अंदर कोई अगर केंद्र दिया तो ये मत सोचिएगा वो केंद्र उसका मध्य बिंदु है। ठीक है, उस केंद्र का नाम जरूर दिया जाएगा कि वो लंब केंद्र है, परिकेंद्र है, या अंतः केंद्र है, या केंद्रक है। ये त्रिभुज के अंदर चार प्रकार के केंद्र बनते हैं। जब तक केंद्र के बारे में बताया ना जा सके तब तक हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ओ क्या है, अंतः केंद्र, ओ अंतः केंद्र। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है कि अंतः केंद्र पर बना कोण, जैसे क्या बन रहा है, कोण बी ओ सी, ये बराबर होगा 90 प्लस हाफ, इसके सम्मुख कोण क्या है, ए, ए के। अगर कोई कहता है भैया ये बता दो इधर से अंतः केंद्र पर बना कोण ए ओ सी, तो कोण ए ओ सी बराबर होगा 90 प्लस हाफ ऑफ, इसके सम्मुख कोण क्या है, बी, तो ये बी। अगर कोई कहता है ये वाला कोण बता दो ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा 90 प्लस हाफ, इसके सम्मुख कोण क्या है, सी, तो कोण सी। ठीक, कोई अगर सम्मुख कोण नहीं समझ पा रहा तो याद रखिएगा बी और सी यहां आ गए इसलिए ए यहां पर आएगा, ए और सी यहां पर आ गया तो यहां बी आएगा, यहां ए और बी आ गया तो यहां पर सी आएगा। तो बस आपसे कह रहा है बी ओ सी आपको ये वाला कोण दिया गया कितना 125 अंश, और इसके सम्मुख क्या है, ए, आप ये बता सकते हैं, इसीलिए आपसे कोण ए ही पूछा गया है। तो आपको लगाना है ये वाली प्रॉपर्टी बी ओ सी बराबर है 90 प्लस हाफ ऑफ ए, तो बी ओ सी कितना दिया गया है आपको 125, तो 125 बराबर है 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 ऑफ हाफ ए। ठीक, तो बस 90 को यहां भेज दीजिए, 125 में 90 घट जाएगा कितना बचेगा 35, और 35 बराबर होगा हाफ ए, 35 दुनी 70, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 70 अंश, तो 70 अंश हमारा सही उत्तर होगा। तो याद रखिएगा जैसे अंतः केंद्र पर देने पर तीन एक नए फॉर्मूले आपने देखे, वैसे परिकेंद्र में भी तीन फॉर्मूले बनते हैं, वैसे ही लंब केंद्र में भी तीन फॉर्मूले बनते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके आने के प्रबल चांसेस हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आइए, जैसे मैंने आपको वर्ग के अंदर वृत्त और वृत्त के अंदर वर्ग करवाया था, वैसे ही आयत में भी सवाल बनते हैं, इनको भी हमने लिया है। 20 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्र का एक वृत्ताकार खेल का मैदान बनाया गया है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी ये वीडियो आप देख रहे होंगे आप खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा, आकृति बिना बनाए इस सवाल को करना मुश्किल है। जिसने इस सवाल को पहले कभी अपने जीवन में किया है वही बिना आकृति बनाए शायद कर सकता है। तो पहले आप आकृति बनाइए, एक आयत बनाइए, और उस आयत में अधिकतम रूप से एक वृत्त को रखना है आपको। ठीक है, आप कैसे रख पाएंगे, जैसे वृत्त वर्ग में क्या था, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थीं, तो वहां पर गलती से भी आप सही ही आकृति बना लेते हैं, लेकिन आयत में इस तरह से नहीं होता है, आयत की लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। ठीक, आयत तो पहले आप सही बना लीजिए इस तरह से। ठीक, यह है आपकी एक आकृति आयत ए बी सी और डी। ठीक है, अब आप बताइए अगर आप यहां पर कोई वृत्त रखेंगे तो क्या ऐसे रख सकते हैं क्या, ऐसे बताइए, क्या ये वृत्त बन पा रहा है, क्या वृत्त के बीच में एकदम केंद्र था, क्या केंद्र से आप कह सकते हैं ये सारी दूरी बराबर होगी। अब देख रहे हैं ये अगर स्मॉल आर है तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली ही रेखा त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या बराबर नहीं होगी, तो इस तरह से नहीं बन सकता है। तो कैसे बनेगा वो देख लीजिए,
ये एक आयत है, याद रखिएगा। आयत में जब भी एक वृत्त का निर्माण होगा इस तरह ही होगा, ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल का, ठीक है। तो अगर आपके पास ए बी सी डी एक आयत है और आयत के अंदर आप अधिकतम वृत्त रख रहे हैं तो वो इस तरह से ही बनेगा। तो अगर आपका डायग्राम सही बन गया है, आप अगर आपका डायग्राम सही बन गया है तो आप बता सकते हैं कि ये वृत्त का व्यास होगा, और वृत्त का जो व्यास है डी वो किसके बराबर दिख रहा है, आयत की चौड़ाई के बराबर। ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो याद रखिएगा, आयत के अंदर जब भी आप वृत्त को रखेंगे, अधिकतम वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, आप अधिकतम वृत्त को रखेंगे तो उस वृत्त का व्यास हमेशा आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। तो याद रखिएगा, जो वृत्त का व्यास होगा वो व्यास हमेशा आयत की चौड़ाई के बराबर होगा, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रहे आप। तो बस यहां से कर लेते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई है और यही वृत्त का व्यास होगा। तो अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या है, और मैदान है कैसा, वृत्ताकार, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त कैसा भी हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या यहाँ पर आर है तो 7 से 7 कट गया, 22 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो 154 वर्ग सेंटीमीटर डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप याद रखिएगा। आइए अगला सवाल, एक आयताकार पार्क और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब पार्क अगर आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बराबर है किसके, मैदान के क्षेत्रफल के। और मैदान कैसा है, वर्गाकार, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर। इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर है ए स्क्वायर के। यदि पार्क की लंबाई 18 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो, तो 8 लंबाई है, 8 चौड़ाई है, 18 × 144, ये बराबर है ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर बराबर 144 है, तो स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, 144 का वर्गमूल 12। वर्ग के बारे में ही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ भी अगर दिया हुआ है तो हम कुछ भी बता सकते हैं। वर्ग की भुजा मेरे हाथ लग गई है, मैं आप चैलेंज करता हूँ, कुछ भी पूछ लो। तो वो कह रहा है कि भैया तो मैदान का परिमाप क्या है, और मैदान है कैसा, वर्गाकार। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, 4 × a का मान 12 है, तो 12 चौके 48, 48 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर ही क्या होगा, हमारा सही उत्तर। देखिए मैं चाहता हूं कि आप कई तरीके से इस बात को समझें, अगर मैं होता तो मैं सवाल को इतना हल ना करता, देखते ही टिक कर देता 48। ऐसा मैं क्यों करता, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ग का जो भी परिमाप होगा वो 4a होगा। आप मुझे बताइए 4a, a का मान कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसमें 4 का गुणा होना निश्चित है। अगर 4 का गुणा होगा तो 4 के पहाड़े में आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, मतलब वर्ग का जो भी परिमाप होगा वो 4 से कटेगा ही कटेगा। क्या 50 कट रहा है, नहीं, ये कभी नहीं होगा। क्या 60 कट रहा है, नहीं, 30 कट रहा है, नहीं, 48 कट रहा है, तो 48 ही क्या होगा, सही उत्तर। ऐसा जरूरी नहीं कि 100% सत्य हो सकता है कि आपकी भुजा किस में आ गई हो, दशमलव में, है ना, या रूट में, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारे आंकड़े अगर पूर्णांक में है और ऑप्शन भी पूर्णांक में है तो फिर इस तरह की बातें हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड गेस करने से अच्छा है कि इस तरह की बातें सोच कर आप ऑप्शन टिक करें, ठीक। आइए 24वां सवाल, आइए, कह रहा है किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंताकोण निम्न में से नहीं हो सकता है। आपने अगर सम बहुभुज पढ़ा होगा, जो कि आपको एक क्लास में पूरा आपको पवन सर ने पढ़ाया है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि किसी भी सम बहुभुज की अगर भुजा निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है 360 अंश बटे में प्रत्येक बाह कोण। ये है ना,
सबसे अच्छा तरीका है। और आपको ये भी पता होगा कि किसी, जैसे एक त्रिभुज को ले लें, त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज, इस बात का याद रखिएगा, क्योंकि तीन भुजाओं से कम किसी आकृति को बनाने के लिए तीन भुजाएं चाहिए। ये इसका अंताकोण है, तो इसी अंताकोण का ये बाह्य कोण बनेगा। तो याद रखिएगा, अंताकोण और बाह्य कोण हमेशा एक सीधी रेखा में बनते हैं, इसीलिए अंताकोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो अगर दो का योगफल मुझे पता है कि 180 अंश होता है और किसी एक कोण का मान दे दिया जाए, तो दूसरा मैं निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। तो मुझे हमेशा भुजा को बताने के लिए 360 बटे में प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए, या फिर प्रत्येक बाह्य कोण दिया हो तो डायरेक्टली मैं निकाल लूंगा, या अंताकोण दिया हो। जैसे मान लीजिए अंताकोण दिया गया आपको 120 अंश, तो अंताकोण 120 अंश है तो बाह्य कोण कितना होगा, 60 अंश। तो 360 बटे में 60, भुजाएं कितनी आ जाएगी, 6। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आइए इनको हम मौखिक कर लेते हैं, क्योंकि इन सब बातें अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप प्रत्येक अंताकोण का फॉर्मूला लगाएंगे और चार बार अगर आप लगाएंगे तो काफी समय बीत जाएगा। तो पहला सवाल, अगर 120 अंश अंताकोण है तो बाह्य कोण कितना होगा, 60। अगर बाह्य कोण 60 अंश होगा तो भुजाएं कितनी होगी, 360 बटे में 60, मतलब 6 × 36। इसका मतलब 6 भुजाओं वाला ये बहुभुज बनेगा, इसका नाम होगा समषट्भुज। इसका मतलब यहां पे सम बहुभुज का निर्माण हो सकता है। आइए बी ऑप्शन में, अगर अंताकोण 150 है तो बाह्य कोण कितना होगा, 30। तो एन कितना आ जाएगा, 360 बटे में 30। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इसका मतलब ये 12 भुजाओं वाला एक सम बहुभुज बनेगा। सी ऑप्शन, डी ले लेते हैं पहले। अगर यहां 160 अंश अंताकोण है तो बाह्य कोण कितना होगा, 20। तो एन कितना आ जाएगा, 360 बटे में 20, 0 से 0 कट गया, 18 × 2 = 36। इसका मतलब 18 भुजाओं वाला यह एक सम बहुभुज बनेगा। इन तीनों में सम बहुभुज का निर्माण हो गया, इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन गलत है। हम चेक कर लेते हैं, अगर अंताकोण 100 है तो बाह्य कोण कितना होगा, 80। तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 360 बटे में 80, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36, 9 / 2 कितना, 4.5। क्या भुजाओं की संख्या कभी दशमलव में आ सकती है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, 4.5 भुजाओं वाला एक सम बहुभुज हम बना नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी सम बहुभुज का प्रत्येक अंताकोण कभी भी 100 अंश नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, इंटरेस्टिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 25। किसी आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि पार्क का अर्ध परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। याद रखिएगा, पार्क कैसा है, आयताकार, तो पूरा आयत का भूत, भूतकाल, भविष्यकाल आपके मन में आ जाना चाहिए। अर्ध परिमाप, आप जानते हैं कि एक आयत का परिमाप क्या होता है, हम बचपन से आयत का परिमाप ही याद करते हैं, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जो हमने रटा है, और किसी का परिमाप का फॉर्मूला आपके मन में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि परिमाप का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सभी भुजाओं का योगफल ही क्या होता है, परिमाप। जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, आप लंबाई को 2 बार जोड़ेंगे, चौड़ाई को 2 बार जोड़ेंगे, तो 2 बार आपने लंबाई को जोड़ा, 2 बार आपने चौड़ाई को, तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको अर्ध परिमाप चाहिए, इसका मतलब परिमाप का आधा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब एक बार आपने लंबाई को गिना और एक बार केवल आपने चौड़ाई को गिना। तो याद रखिएगा, आयत का अर्ध परिमाप क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई, और यही आपको कितना दिया गया है, 72 सेंटीमीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 72 के। कह रहा है कि भैया पार्क की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी होगी, 3x। तो लंबाई की जगह 3x रख देते हैं और चौड़ाई की जगह x बराबर 72। 3x प्लस x 4x बराबर 72, 18 × 4 = 72, तो x का मान कितना आ गया, 18। कह रहे, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, पार्क का क्षेत्रफल क्या, तो पार्क कैसा है, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी भैया, 3x, और चौड़ाई कितनी थी, x, तो ये कितना आ गया, 3x² 3x का मान कितना आया, 18।
तो 18 का स्क्वायर 324, तो 18 का वर्ग हो गया 3, तो 24 और गुणा होगा 3 चौके 12, इधर मिटा देता हूँ, इधर स्पेस नहीं है, एक मिनट, अठारह का वर्ग होगा 324 गुणे 3, 3 चौके 12, 3 इंच 1 7 और 3 त्रिका 9, 972। फिलहाल तो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, ये जो 9 7 है ना यहाँ पर छूट गया है, कभी कभी आयोग में भी इस तरह से गलती होती है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लो ना करें। तो 972 है फिलहाल, अगर ऐसा ऑप्शन है तो ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो चूज़ क्या करें, चूज़ कुछ मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर बाई मिस्टेक छूट गया है, ये क्या है 972, तो यही क्या होगा हमारा सही उत्तर, ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक हुई है तो, ठीक है। चलिए तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, यदि बगीचे के चारों ओर 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ये सेंटीमीटर ही है, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप याद रखिएगा कि कोई भी आकृति के चारों ओर यदि कोई आकृति बनाई जाती है तो उसकी भी आकृति वही होगी जिसके चारों ओर वो बनाया जा रहा है। जैसे अगर एक कुआं है वृत्ताकार और वृत्त के चारों ओर अगर कोई मेड़ बनाई जाएगी तो वो भी कैसी होगी, वृत्ताकार। आयत के चारों ओर सड़क बनाई जाएगी तो वो भी कैसी बनेगी, आयताकार। वर्गाकार अगर पार्क है वर्ग के चारों ओर सड़क बनाई जाएगी तो वो भी कैसी बनाई जाएगी, वर्गाकार। ठीक, तो ये बगीचा है कैसा, आयताकार, जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, इसके चारों ओर 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक सड़क बनाई जाती है, इस तरह से ये बना दे रहा हूं, यहां डॉट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक, इस बात को बिल्कुल नोटिस मत कीजिएगा कि यहां कुछ ज्यादा है यहां पर कुछ कम है, 1.5 सेंटीमीटर ही हर जगह है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगा, और यहां से चौड़ाई दिखाऊं तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगा, ऐसे ये भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो आप अगर देखें एक बड़ा आयताकार आकृति बन रही है और एक छोटी, आपको बताना है सड़क का क्षेत्रफल, जो ये सड़क आपने बनाई है, ये है ना, तो एक रफली और शीट बना के मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका बगीचा था, इस बगीचे के चारों ओर आपने एक सड़क बनाई तो कुछ इस तरह से आकृति बन गई। अगर मैं आपको कहूं कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा का पूरा अंदर का भाग, ये निकाल लेंगे आप, ये आया पूरे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, उसमें मैं कहूं आपसे छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दो तो आप घटा देंगे, और जब आप घटाएंगे तो ये हट जाएगा ऐसे, है ना, तो आप देखेंगे तो केवल और केवल आपके सड़क का क्षेत्रफल ही बचा है। तो याद रखें, कभी भी इस तरह का सवाल आया कि किसी भी आकृति की चारों ओर सड़क बनाई गई है, मेड़ बनाई गई है, कुछ भी बनाया गया है, तो वहां पर दो तरह की आकृति बनती है, एक बड़ी बनती है और एक छोटी। हमेशा बड़ी आकृति से जब आप छोटी आकृति को घटा देंगे तो जो सड़क का क्षेत्रफल या मेड़ का क्षेत्रफल है ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये बड़ा वाला आयत बन रहा है, इसकी लंबाई बस आपको देखनी होगी भाई, हम जानते हैं कि यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, 15, 1.5 यहां खींच दिया गया है तो प्लस 1.5 इधर आ जाएगा, और प्लस 1.5 इधर खींच दिया गया है तो ये 1.5 आ गया। इसका मतलब जो बड़े वाला आयत है उसकी जब लंबाई निकालेंगे तो 1.5 1.5 3, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, ऐसे ही चौड़ाई यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है, 12, ये 1.5 आगे खींच दिया गया है तो प्लस 1.5, और 1.5 नीचे खींच दिया गया है तो 1.5, तो नई चौड़ाई क्या बनेगी, 1.5 1.5 3 12 3 15। इसका मतलब बड़ा वाला जो आयत दिख रहा है उसकी लंबाई 18 और चौड़ाई कितनी है, 15, और छोटे वाले आयत की लंबाई चौड़ाई आपको प्रश्न में दिया गया है, तो आइए निकाल लेते हैं।
ठीक है, एक बार तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट का यही मतलब है कि आपने चीज़ें पहले पढ़िए तभी आप प्रैक्टिस सेट करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल जितनी ज़रूरत है उतना मैं आपको बताते चल रहा हूँ, तब भी आपको लगता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार जो आपकी क्लास टीचर जो भी आपको क्लास में पढ़ाते हैं उसको एक बार रिवाइज़ करके ही आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है हमें निकालना है सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क का क्षेत्रफल तो यहाँ पूरी बातें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। सड़क का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल हो चाहे छोटे आयत का क्षेत्रफल हो, हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें से हम घटा देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। आप देख रहे हैं बस एल बी अलग अलग है, यहाँ बड़े अक्षर हैं वहाँ छोटे अक्षर हैं, तो बड़े वाले आयत की लंबाई है 18, चौड़ाई है 15, माइनस छोटे आयत की लंबाई है 15, चौड़ाई है 12, 15 × 120, 15 × 15 = 12, 27, 15 × 12 = 180, 270 में 180 जाएगा कितना आएगा 90। इसका मतलब जो ये सड़क है उसका क्षेत्रफल कितना है 90 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, आसान सवाल था। आइए नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही आपको नहीं पता है तो ये सवाल तो फिर आपसे घर पे भी नहीं हो सकता है ना? तो याद रखिएगा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, अगर आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता है तभी ये सवाल हो सकता है, और किसी भी कंडीशन में आप एग्जाम में सवाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2a, ए क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा, और आपको यही ऊंचाई सवाल में कितना दिया हुआ है 12√3, तो आप यहां से √3/2a की वैल्यू रख सकते हैं 12√3, √3 से √3 कट गया, a बराबर कितना आ गया 12 × 24। कभी आपने देखा होगा कि वर्ग और वृत्त की भांति समबाहु त्रिभुज के सारे फॉर्मूले में केवल एकमात्र वेरिएबल होता है ए। कहने का मतलब है कि समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर कुछ भी दिया गया है तो ए ही हाथ लगेगी, और ए अगर हाथ लग गई तो आप कुछ भी बता सकते हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ दिया जाना इस बात का संकेत है कि आप कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद हो। तो ए आ गया 24, कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a², और ए कितना है 24, तो 24 × 24, 4 × 24, 6 × 24, 6 × 12 = 14, 144√3, ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपकी किस्मत अच्छी है, ऑप्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आसान सवाल था। अगला ये सवाल है, पूरे 30 सवालों के सेट में सबसे अच्छा और खूबसूरत सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर हैं, इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई क्या होगी? शीर्षाभिलंब कुछ और नहीं है, वही लंब है जो आप पढ़ते हैं, मतलब ऊंचाई, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज का सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब बनेगा कहाँ। एक आकृति से बना के मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, आपको ये त्रिभुज देखकर ये तो पता चल रहा होगा इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो आप कहेंगे सर बी सी, और मैं कहूँ सबसे छोटी भुजा तो आप कहेंगे ए बी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर आपको मेरे ऊपर विश्वास ही करना होगा कि बी सी सबसे बड़ी भुजा है, ए बी सबसे छोटी भुजा है। मान लीजिए शीर्ष से मैंने सम्मुख भुजा पर एक लंब खींच दिया, लंब का मतलब 90 अंश पर ये रेखा खींची जाएगी। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब खींचा जाता है उसे ही शीर्षाभिलंब कहते हैं। आप मुझे बताइए ये, और इधर से अगर मैं एक और खींच दूं, इधर से इस वाले शीर्ष से इधर, ये मान लीजिए ये एडी था और ये सीई, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एडी की लंबाई ज्यादा होगी कि सीई की? तो आप सर बे मतलब सीई की लंबाई ज्यादा होगी, है ना।
तो आप बार बार डायग्राम बना के ये चीज समझ पाए, उससे अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख शीर्ष से जो लंब आता है वो त्रिभुज का सबसे छोटा लंब होता है, और आप देख रहे हैं सबसे छोटी भुजा के सम्मुख शीर्ष से जो लंब खींचा गया वो लंब सबसे बड़ा होगा। तो किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर जो लंब खींचा जाता है वो सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटी भुजा के सम्मुख शीर्ष से जो लंब खींचा जाता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन स्मॉलेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस डायग्राम से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो बस अब एक अच्छा डायग्राम बनाना है बस आपको, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का बनेगा। क्योंकि देखिए एग्जाम में जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो तीनों भुजाएं हैं अलग अलग, लेकिन आप कैसा बनाते हैं, आप तीनों भुजाएं एक ही बनाते हैं, आप हमेशा समबाहु त्रिभुज ही बनाते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे अगर एग्जाम में और आपको ये बात नहीं पता है तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि शीर्षाभिलंब बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई पूछा है, इसका मतलब सबसे छोटी भुजा पे बनेगा। सबसे छोटी भुजा क्या है, 35। इसके सम्मुख शीर्ष से अगर लंब खींचा जाए तो यही इस त्रिभुज का सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब होगा, और आपको इसकी ही लंबाई चाहिए, और हम मान लेते हैं एच। इसका मतलब आपको एच का मान बताना है, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, 35, 54 और 61। तो यहां पर जो भी अब चीज़ें अप्लाई होंगे, थ्योरम, वो सारी चीज़ें आपको पता है, बस आपको यही पता लगाना था कि सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब बनता कहाँ है। अगर मैं आपसे कहूँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ए से मैं क्षेत्रफल दिखा रहा हूँ, एरिया, तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज का अगर एक आधार दिया गया हो और उसी आधार से त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे क्षेत्रफल। ऊंचाई का मतलब लंबे ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार 35 गुणे एच, निकल गया। लेकिन एच का मान तब तक आप बता नहीं सकते हैं जब तक आपके पास क्षेत्रफल ना हो, और क्षेत्रफल सवाल में दिया नहीं गया है। इसका मतलब आप केवल और केवल दुआओं में क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और अलग अलग हैं, इसका मतलब ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, √S, S-A, S-B, S-C, वो लगाना पड़ेगा। तो आइए यहां से त्रिभुज का दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, √S, S-A, S-B, S-C। S क्या होता है, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या है, परिमाप का आधा, और परिमाप क्या है, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग कर लिया हमने, 35 + 54 + 61/2, 50, 30, 80, 60, 140, 5, 4, 9, 10, 50/2 कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक, तो S फिर आएगा S-A, मतलब एक भुजा घटाएंगे, फिर S-B दूसरी भुजा घटाएंगे, फिर S-3 भुजा। बस इसी को आपको हल करना है, और ये हल करना आप अच्छे से जानते हैं। आइए, 75 75 में 35 जाएगा, 5 में 5 गए 0, 7 में 3 गए 4, 75 में 54 गया, 5 में 4 गए 1, 7 में 5 गए 2, और 75 में 61 गया 14। या तो सबका गुणा करके आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, या स्क्वायर रूट के अंदर कुछ अगर नंबर्स हैं तो उनको आप जोड़ों में बांट लीजिए, क्योंकि करने के अंदर वही संख्या बाहर आ सकती है जो अपने आप को जोड़ों में दिखा दे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं मैं, 75 में 5 पचे 25 तिहाई 75, 40 का मतलब है 5 दुनी 10 दुनी 20 दुनी 40, 21 का मतलब है 7 × 3, और 14 का मतलब है 7 × 2। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, अब नीचे जगह तो नहीं है तो मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं ऊपर, इसको मिटा दे रहा हूं, आपने शायद देख लिया होगा। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं पांच का एक जोड़ा बन रहा है, तो पांच बाहर आ गया। तीन का एक जोड़ा है, एक तीन यहां है, एक तीन यहां है, तो तीन बाहर आ गया। इस दो के पास जोड़ा है, ये दो बाहर आ गया। इस दो के पास जोड़ा है, ये दो बाहर आ गया। इस सात के पास जोड़ा है, ये सात बाहर आ गया। ये पांच अकेले फंसा हुआ है, इस पांच के पास जोड़ा नहीं है, तो इसको करनी छोड़ेगी नहीं, ये करनी में रहेगा। तो पांच तिहाई 15 दुनी 30 दुनी 60, 60 का 7 में गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 420 रूट 5। इसका मतलब कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 420 रूट 5। और यहां पर जो क्षेत्रफल है वो है तो इसी त्रिभुज का, इसका मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान भी क्या होगा, 420 रूट 5। तो इसकी जगह मैं इसको मिटा के अब मान रख सकता हूं कितना, 420 रूट 5। 7 5 35, 7 6 42, 5 से काटूंगा 12 5 60, और 2 यहां जाके 12 में गुणा हो जाएगा, तो h का मान कितना आ जाएगा, 12 2 24 रूट 5। और यही सवाल का उत्तर होगा। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 24 रूट 5। सवाल बहुत ही अच्छा था और थोड़ा सा मुश्किल था, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों ही थे सवाल में। हो सकता है आपको एक बार में ये सवाल ना समझ में आया हो, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को आप एक से अधिक बार लगाएं। पहले एक बार समझने के बाद आप खुद ट्राई करें, ना ट्राई कर पाए तो फिर देखें, फिर ट्राई करें। बहुत अच्छा सवाल है, कभी भी रिपीट हो सकता है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, आइए आइए, अब बहुत छोटे सवाल हैं, दो और बचे हैं। त्रिभुज एबीसी में DEF, जो यहां पर DEF दिया हुआ है आपको, ये F है, ठीक है, DEF वो AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। इसका मतलब AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। आपसे पूछ रहा है कि इन दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही होगा, क्या DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल इसके, क्या CEF, CEF इसके बराबर है, क्या DBE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या इसके बराबर है, क्या इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, या सभी सत्य हैं। तो याद रखिएगा 2017 में ये सवाल आया था अलग रूप में, आप इसे और अच्छे से कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको पता होगा कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है ना, लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, कहने का मतलब है ये मध्य बिंदु है, तो यहां से यहां तक की जितनी दूरी होगी उतनी यहां से यहां तक की दूरी होगी, है ना। तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाती है वही क्या होती है, माध्यिका। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ए से अगर इसको मिला दूंगा तो माध्यिका बनेगी, और बी से एफ को मिला दूंगा तो माध्यिका, सी से डी को मिला दूंगा तो माध्यिका। तो याद रखिएगा, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये तो थी माध्यिका के बारे में, आप इतना अभी डिटेल में मत पढ़िए, हम केवल एक प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं पर जो मध्य बिंदु हैं उनको मिलाकर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल, याद रखिएगा, उसका क्षेत्रफल अंदर जो तीन छोटे छोटे और आपको त्रिभुज दिख रहे हैं उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। डायग्राम में ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो आप इन सब पे ना जाएं। जो क्षेत्रफल इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। ठीक है, अगर इसका किसी ने कह दिया 5 है तो इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि हमने ये जाना कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो अंदर एक त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल अन्य जो अंदर छोटे छोटे त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो DBE का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल CEF, CEF इसके बराबर होगा, बिल्कुल सही। DBE का क्षेत्रफल DEF इसके बराबर होगा, बिल्कुल सही। DBE का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल ADF, ADF इसके बराबर होगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब तीनों बातें सत्य हैं, इसका मतलब सभी सत्य कथन हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था, आइए।
एन भुजा वाले एक समबाहुभुज के किसी शीर्षों से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या का व्यंजक क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, है ना। तो याद रखिएगा ये क्या पूछ रहा है, जैसे कि मैं आपको एक चतुर्भुज बना दूं और कहूँ ये समबाहुभुज है, मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो आप कहेंगे कि एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण, तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, कुल दो। लेकिन सवाल है किसी शीर्षों से, इसका मतलब है किसी एक शीर्ष से एक बार में खींचे गए विकर्ण, तो ये तो दो शीर्ष से खींचा गया है, तो आप कहेंगे सर ऐसे बना लो, एक समबाहुभुज ले लो और एक शीर्ष से ये। तो कहने का मतलब है किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या कितनी है, एक, और कुल विकर्णों की संख्या चतुर्भुज में दो। दोनों ही बातों में अंतर है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर चार भुजाएं थी और विकर्ण कितने बने, एक, मतलब तीन कम। तो याद रखिएगा भुजाओं से हमेशा तीन कम किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्ण बनते हैं, तो n माइनस थ्री। और अगर आपको पूरा फॉर्मूला चाहिए कि चतुर्भुज के कुल विकर्णों की संख्या, तो ये वाला लगाएंगे फिर n n माइनस थ्री बाई टू, यहाँ चार रख देंगे चार, यहाँ चार रखेंगे चार माइनस तीन एक बटे में दो, तो दो दूनी चार। तो याद रखिएगा अगर ये शब्द है किसी शीर्ष से, ठीक है, तब आप कौन सा चुनेंगे, n माइनस थ्री। अगर सवाल होता कि n भुजा वाले एक समबाहुभुज में खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या का व्यंजक क्या है, तो आप उत्तर देते n n माइनस थ्री बाई टू, है ना। यहां है किसी शीर्ष से, अगर शीर्ष वर्टेक्स अगर वहां पर पॉइंट आउट है, शब्द मौजूद है, तो आंसर क्या होगा, n माइनस थ्री। तो किसी भी समबाहुभुज के किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या क्या होती है, n माइनस थ्री, भुजाओं की संख्या से तीन कम। तो यहां पर हमने अपना सेशन पूरा किया, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादातर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी एग्ज़ाम अब करीब हैं और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, वो भी देख सकें। ज्योमेट्री के 30 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, अभी इसमें मैंने सर्कल और पैरेलल लाइंस इनके क्वेश्चंस ऐड नहीं किए थे, उनके अलग आपको वीडियो मिलेगी। उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज की समरूपता पर आधारित सवाल, ठीक है। तो चलिए फिर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अब एग्ज़ाम करीब है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, एक महीने बाद होपफुली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।